कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया हो गया। मैं आपका प्रतीक गाजियाबादी भाई लेके आ चुका हूँ अपनी हीरो की जो भाई जूम है, आज हम उसका एक वीडियो बनाने वाले हैं। अभी हम खड़े भाई सिंगला हीरो पे जो कि पड़ जाता है भाई अपने पांडव नगर के अंदर। तो भाई एक बार चलते हैं भाई अपना अंदर और बात करते हैं भाई अपनी स्कूटी की। भाई ये खड़ा भाई अपना टॉप मॉडल, आज बात करने वाले हैं भाई हम अपने टॉप मॉडल के बारे में। तो जो भाई फ्रंट लुक है ना, फ्रंट लुक तो भाई वो जो एंटॉर्क वाली जो नहीं होती इसकी कुछ लुक वैसी है, पर जो अब जो एंटॉर्क आते भाई वो आते भाई अपने 125 सीसी में, ये है भाई अपने 110 सीसी के अंदर। अब 110 सीसी के भाई अंदर आ गए तो ये किस फुट अपनी टक्कर देती है? मेनली भाई जो अपनी टक्कर दे रही है भाई अपनी दे रही है होंडा एक्टिवा जुपिटर और इन सब गाड़ियों को, ठीक है। तो अब बात करें भाई स्पेशली इसकी, तो फ्रंट लुक में भाई अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई फ्रंट लुक में भाई इसकी कुछ अपनी HDRS देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपको जूम कराऊँ यहाँ देख पा रहे हो भाई अपने इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टर्स दिए हैं जो कि भाई अभी मैं आपको ऑन करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये भाई यहाँ पे अपने एयर वेंट्स वगैरह के लिए अपने जो लुक होती है ना वैसे इसमें अपने देने की कोशिश की गई है भाई अपने यहाँ डुअल भाई अपने आपको मिल गए अपने शॉकर्स। ये भाई मैं शायद प्लास्टिक बॉडी में होगा, नहीं मेटल में है, ठीक है। अरे भाई इसकी कुछ साइड प्रोफाइल की, तो भाई साइड प्रोफाइल में जो आपको जो टायर मिल रहा है भाई फ्रंट लुक में, ये भाई आपको आ रही फ्रंट डिस्क में 90-90-12 ऐसा कुछ अपना साइज मिल जाता है भाई। तो भाई स्पेशल क्या है, ये वाले बल्ब है भाई आपके कॉर्नरिंग लैंप्स के जो भी आपको मैं जलाकर दिखाऊंगा, ठीक है। ये मिल गए आपके कॉर्नरिंग लैंप्स। अब बात करें अगर हम इसकी स्पीडोमीटर की, तो भाई अपना कुछ स्पीडोमीटर देखने को ऐसे मिल जाता है, देखो कुछ इस तरीके से भाई अपने स्टार्ट हो जाता है भाई। यहाँ आपको इंजन की लाइट देखने को मिल गई, फिर आपको भाई इंडिकेटर्स की, फ्यूल की, फ्यूल का आपको यहाँ पे दिखा देता है कि भाई अपना कितना फ्यूल है, टाइम दिखाने को देख रहे हैं, किलोमीटर्स और अपनी स्पीड। यहाँ ITS का बटन मिल जाता है जो कि आजकल हर स्कूटी के अंदर आ रहा है जो भी लेटेस्ट आ रही है, कि लाल बत्ती पे आप जाओगे 200 सेकंड आप इसका वेट करोगे तो अपनी स्कूटी बंद हो जाएगी। उसमें सिर्फ आपको करना क्या होता है भाई, ब्रेक लगाओ स्कूटी अपनी ऑन, ठीक है। अब बात करें भाई अपने यहाँ पे, तो यहाँ भाई अपने कुछ इतनी आपको स्पेस देखने को मिल जाती है तो भाई अपना काफ़ी डीप। यहाँ अगर आप देखोगे तो भाई आपको चार्जिंग सॉकेट का आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इसको यहाँ से आपने पुल किया और ये यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा भाई इसमें सी पोर्ट, ठीक है। इसको करते हैं एक बार बंद भाई, एक बार अपना फ़ोन दिखा दो भाई। अगर हम ये फ़ोन देखें तो भाई देखो कुछ इसके अंदर भाई इतना ही आराम से अपने फिट हो चुका है। यहाँ भी भाई अपना कोई चाबी वगैरह रखनी पड़ सकना है वो आप आराम से अपना रख सकते हो, ठीक है। अब बात करें भाई अपने यहाँ कुछ स्पेस की, तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई मेरा जो पैर है वो अपना 11-12 नंबर का है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो भाई 12 नंबर का जूता जो भाई वो आराम से इसमें आ रहा है, पूरा फिट आ रहा है, जो कि भाई जैसे आपको मैं पता है कि मेरी जो हाइट है भाई वो अपनी 6 फिट की है। तो अगर मैं आपको उसको अपना आराम से अगर बैठ के दिखाऊं तो भाई इतने कुछ भाई अपनी स्पेस देखने को मिल जाती है। हाँ ये है कि भाई हम इसमें ज़्यादा अपना पैर आगे को नहीं कर सकते, जैसे आप देख पा रहे हो ना ये चीज़, अगर हम इस चीज़ को अगर हटा दें और काफ़ी अपनी जगह बन जाती है, ये शायद अपना पता करेंगे कि भाई अपने एक्सेसरीज़ में आता है या कि भाई अपना है ही इसमें। यहाँ पे अपना सॉकेट वगैरह का शायद इसमें आप अगर फ्यूचर में अगर आपको एक्सेसरीज वगैरह में आप इसमें भी शायद चार्जिंग पोर्ट अपना लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई इसकी कुछ अपनी यहाँ से अपनी ऐसी सीट तुमने मिल जाती है जो कि आपको अपना फ्रंट लुक में अपना देख कर आराम से बैठो। ये भाई अपने कुछ यहाँ पे साइड मिरर्स की लुक हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसकी एक बार सीट की, तो भाई यहाँ कुछ इतनी इसकी फोमिंग मिल जाती है। सीट तो भाई अपने काफ़ी कुशन्ड है और देख रहे हो गया सही है, इसकी फोमिंग तो सही हो रखी है। यहाँ पे भाई अपनी स्कूटी की भाई अपनी बैजिंग मिल जाती है जूम एक्सटेक, और ये जो भाई अपने जो कलर्स आते हैं वो एक बार इनके ओनर से मतलब जो इनके यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे पूछेंगे भाई कौन कौन सा कलर आ जाता है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो भाई अपना रेड एंड ब्लैक कलर है, यहाँ खड़ा भाई अपना वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। अब बात करें भाई अगर इसके हम रेयर लुक की, तो रेयर लुक भाई अपना कुछ ऐसा मिल जाता है जैसे भाई अपना एप्रिला वगैरह में आया करते थे ना थोड़ा बाइकिश लुक में। सेपरेट अपने इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, ये देख रहे हो आप फ्लेक्सिबल हैं। यहाँ मिल जाती है भाई आपको DRL टेल लाइट जो कि भाई अपनी जो जलती रहेगी नीचे ब्रेकिंग वगैरह की आपको लाइट देखने को अलग से मिल जाती है। यहाँ भाई जो अपना रियर पीछे बैठ रहा है भाई अगर उसको पकड़ के बैठना तो यहाँ पे अपने ग्रूव्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये अपना हैंडल ग्रिप्स वगैरह आपको देखने को मिल गई। अगर आपको मैं दिखाऊँ भाई एक बार इसको ऑन करके, इसके टेल लाइट्स को ऑन करके, तो भाई नॉर्मली इसकी जो DRL है वो पीछे कुछ अपनी ऐसी लुक आ जाती है। फ्रंट एंड DRL की काफ़ी एक अच्छी लुक आ रही है जो कि काफ़ी भाई बढ़िया है। जैसे अगर आप एक्टिवा और जुपिटर में आप देख रहे होगे तो उसके अंदर भाई जो इन वाली जो DRL वगैरह के लुक है भाई वो मेरे को इतनी खास नहीं लगी, जो कि प्रेफरेंस में अगर मैं देखूँ अपने पर्सनल प्रेफरेंस में इनकी DRL भाई काफ़ी अच्छी है, शायद भाई मेरे हिसाब से एक्टिवा और जुपिटर में अभी तक ये आई भी नहीं है। तो भाई अब बारी भाई अपने कुछ हेडलाइट्स की, तो आपको एक बार हेडलाइट्स को दिखाता हूँ भाई कैसा इसमें अपना रिस्पॉन्स अपना देखने को मिल जाता है।
कुछ लो बीम है, ये अपनी हाई बीम देखने को मिल जाती है। देखें तो भाई इसके कुछ अपने यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये अपना लेफ्ट एंड राइट इंडिकेटर्स। ये बस स्कूटी भाई अपना बंद कर देते हैं। तो भाई ये तो कुछ बात हो गई भाई अपने फ्रंट एंड आपकी हेडलाइट्स की। तो भाई इसमें मैंने एक चीज़ अभी नोटिस करी भाई, इसमें अपने डायमंड कट अलॉयज आ जाते हैं, ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ भाई अपने डायमंड कट अलॉयज आ जाते हैं। अब बात करें भाई अगर इसके हम बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें अपनी कितने कुछ अपनी बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से जो अपनी बूट स्पेस होगी भाई वही अपनी 50 लीटर वाली होगी, ये देखो। भाई अपने अगर बूट स्पेस की तो बूट भाई अपने कुछ इतनी मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाती है भाई अपने एक वाइट एलईडी लाइट, अगर कुछ भी आपका सामान है तो भाई अंधेरा अंधेरा नहीं रह जाएगा, अपनी पूरी लाइट रहेगी। तो एक बार भाई जो मेरा जो हेलमेट है वो पूरा है भाई अपने लार्ज साइज का, जो कि भाई जुपिटर और एक्टिवा में अभी तक वो फिट नहीं आता है। जुपिटर भाई मैं 125 वाली की नहीं 110 सीसी वाली की बात कर रहा हूँ। एक बार आपको मैं अगर इसको सामान को एक बार हटा कर दिखाऊँ तो भाई ये देख लो कुछ अपना इस हिसाब का हेलमेट है, और अगर इसको हम भाई अपना देखें एक बार, मैं इसको ढंग से आपको फिट करके दिखा दूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया भाई अपना जो हेलमेट है, अब आपको उसको एक बार फिट करके दिखाते हैं। जुपिटर एक्टिवा और एक्सेस में अभी तक तो अपना फिट नहीं आया, जो कि भाई अपना इसका साइज है भाई एल। तो एक बार देखते भाई इसमें फिट आता है या नहीं, एक बार भाई पकड़ना आप यहाँ से, एक बार पकड़ो, लो भाई इसके अंदर भाई कोई ज़्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी भाई ऐसा आने रहा गैप इसके अंदर इतने बड़े हेलमेट रखने के बाद। तो भाई हेलमेट तो भाई अपना पूरा आराम से आ जाता भाई। जो मेरे को इस स्कूटी की एक चीज़ बस मेरे को नेगेटिव जो लगी, आज के टाइम पे जो हर जो कंपनी दे रही है वो भाई अपने दे रही है कि जो इसका फ्यूल टैंक होता है या तो वो यहाँ देती है या वो पीछे की तरफ देती है। इसमें या तो मेरे हिसाब से उन्होंने सेफ्टी का ख्याल रखा कि उन्होंने यहीं के अंदर दिया, ज़्यादा आलसी मत बनो, थोड़ा अपना उठो और भाई यहाँ से अपना आराम से इसको ऊपर खोल के इसके अंदर पेट्रोल आप भरवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भाई अपने ऐसे सस्पेंशन मिल जाते हैं, इसमें रियर में जो भाई अपने मिल रहा है वो भाई वो सिंगल सस्पेंशन मिलता है, सिंगल साइड जैसे आप देख पा रहे होगे, ठीक है। दूसरी साइड में भाई अपना सस्पेंशन ऐसे नहीं मिलता, और कुछ अपने मिल जाता है भाई अपना इस तरीके का भाई अपना एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट भाई काफ़ी बड़ा है, जैसे अपने एंटॉर्क वगैरह में आ रहा है, तो एंटॉर्क के पूरे लुक में लाई गई है कि जिसका भाई बजट अपना 125 सीसी एंटॉर्क लेने का नहीं है, क्योंकि भाई वो लाख रुपये से काफ़ी वो ऊपर जाती है, तो वो भाई अपना हीरो की जूम पे अपना आ सकता है। जिसको अपने स्पोर्टी लुक चाहिए आजकल के लड़कों को मेनली मेरे हिसाब से टारगेट कर रही है, क्योंकि फैमिली स्कूटी उस हिसाब की नहीं है जितनी अपनी ये एक बॉयश लुक में भाई अपनी पूरी ये आ रही है ना। तो एक बार भाई आपको एक बार सुनाते हैं भाई इसकी एग्जॉस्ट के साउंड अपनी देखने को कैसे मिलती है। भाई अब आ गया भाई एग्जॉस्ट भाई अगर आपको मैं आवाज़ सुनाऊँ अपनी जो स्टिल जो आवाज़ है भाई वो नॉर्मल। नॉर्मल वाली है, एंटोर की तो काफ़ी एक अलग एक आवाज़ करके आती है, वो काफ़ी रोर करती है। इसके जो आवाज़ है उसकी तरीके में आपको देने की पूरी कोशिश की गई है, पर भाई जो इसकी आवाज़ है ये भी काफ़ी सही है। यहाँ भी अगर आपको एक हुक दे रखा भाई अपना कभी भी आपको सामान वगैरह टांगना हो तो, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारे जो उसका मेन मेन फीचर आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। ब्लूटूथ अपना यहाँ पे फीचर मिल जाता है भाई जो कॉलिंग वगैरह के लिए, यहाँ मिल जाता है भाई आपको अपना स्पेस काफ़ी दोनों साइड, फिर आपको मिल जाता है भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लैंप्स, आगे मिल जाती है आपको डिस्क, यहाँ मिल जाते हैं भाई आपको डायमंड कट अलॉयज, ठीक है। और फ्रंट लुक में भाई अपने कुछ ऐसी लगती है जूम। तो एक बार भाई जो इसकी जो प्राइस लिस्ट जो अभी जो चल रही है एक्सट्रूड प्राइस के साथ वो भी भाई अभी मैं आपको इसे एक फोटो में आपको दे दूंगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।